गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट इन साउथ अफ्रीका इनिशियली देयर वाज ऑलवेज द डोमिनेशन ऑफ व्हाइट्स। द ब्लैक अफ्रीकन्स वर इवन नॉट गिवन देयर बेसिक राइट्स एंड इन सच अ कंट्री नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। That was indeed a great achievement for South Africa, dear students, and all the credit goes to this person, Nelson Mandela. So we'll keep continue to read the chapter. As I told you in the previous video that Nelson Mandela became the first black president, and there was an inauguration ceremony, or you can say that an oath ceremony took place in an amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. So at that time, A few moments later means after a short time, thodi der ke baad, we all lifted our eyes. Means we all raised our eyes. Hum sabhi logon ne apni nazar upar uthai. In awe means in great surprise. Bahut hi aashcharya ke saath. As a spectacular array of South African jets. Aur humne kya dekha? Spectacular array means an impressive display. एक बहुत ही शानदार इम्प्रेसिव डिस्प्ले मीन्स डिमॉन्स्ट्रेशन, एक बहुत ही शानदार डिमॉन्स्ट्रेशन, एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमने देखा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। जेट्स मीन्स एरोप्लेन्स, साउथ अफ्रीका के जो एरोप्लेन्स थे उनका, हेलीकॉप्टर्स का एंड ट्रूप कैरियर्स मीन्स व्हीकल्स टू कैरी आर्मी पर्सन्स और सोल्जर्स। आर्मी पर्सन्स को, सैनिकों को ले जाने के लिए जो वाहन होते हैं उनको देखा। रोड जो कि रोड कर रहे थे मींस मेकिंग अ श्रिल नॉइज, एक तीखी आवाज निकाल रहे थे, गर्जना कर रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स की ऊपर से होकर जो गुजर रहे थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये जो डिस्प्ले था, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन था, ये मिलिट्री फोर्स का एक पिन पॉइंट प्रिसीजन ही नहीं था। पिन पॉइंट प्रिसीजन मीन्स एग्जैक्टनेस, जो एक एग्जैक्टनेस मीन्स एक्यूरेसी भी कह सकते हैं, परिपूर्ण शुद्धता सो बिंदे में। तो ये जो डिस्प्ले था, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन था, ये मिलिट्री फोर्स का एक पिनपॉइंट प्रिसीजन ही नहीं था बल्कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन था, ये मिलिट्री की लॉयल्टी का डिमॉन्स्ट्रेशन था टू डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, और उस न्यू गवर्नमेंट के प्रति दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो गवर्नमेंट जो कि बहुत ही फ्रीली और बहुत ही फेयरली मीन्स बहुत ही प्रॉपरली वहां पर इलेक्टेड हुई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ ही समय पहले की बात है, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स। हाईएस्ट जनरल मीन्स सीनियर मिलिट्री पर्सन्स, जो सेना में उच्च अधिकारी लोग होते हैं, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स के एंड पुलिस, और वहां की जो पुलिस थी, दे आर चेस्ट बेडेक्ट विद रिबन्स, बेडेक्ट मीन्स डेकोरेटेड, उनके सीने पर रिबन लगे हुए थे एंड मेडल्स और मेडल लगे हुए थे फ्रॉम डेज गॉन बाय, विगत उस दिनों से। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, प्लेस्ड मीन्स प्रॉमिस, और उन्होंने प्रतिज्ञा की किस चीज की, देयर लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस, वफादारी की। तो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल्स थे या जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे, और वहाँ की जो पुलिस थी, उस पुलिस के जो ऑफिसर्स लोग थे, जिन लोगों के सीने पर मेडल्स और रिबन्स डेकोरेट हुए थे, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया और उन लोगों ने प्रोमिस किया लॉयल्टी का, लॉयल्टी होने का, एक फेथफुलनेस होने का। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मीन्स आई वॉज नॉट फॉरगेटफुल ऑफ द फैक्ट, मतलब कि मैं उस फैक्ट को भूला नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि अभी बहुत साल पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि जब मैं प्रेजिडेंट नहीं था तो उस समय तक ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड, बल्कि उन्होंने मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, चेवरन मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, वी के शेप में एक आकृति, एक इमेज कह सकते हैं, उसी को चेवरन कहते हैं। अ पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, जो कि वी के शेप में होता है, इसी को चेवरन कहा जाता है। तो एक चेवर्न जो है इम्पाला जेट्स के द्वारा लेफ्ट आई स्मोक ट्रेल, जो वहाँ के जेट्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो एरोप्लेन्स थे, उन एरोप्लेन्स ने
स्मोक ट्रेल, धुएं की एक लाइन दादी धुएं की एक लाइन खींची ऑफ द ब्लैक, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की एंड गोल्ड कलर की ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और नया साउथ अफ्रीका का जो नया झंडा था, जो फ्लैग था, उस फ्लैग के इन रंगों को इम्पाला जेट्स ने जो है धुएं के साथ एक इस वी शेप में छोड़ा। द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी मीन्स द डे वॉज मेमोरेबल फॉर मी, वो दिन मेरे लिए एक यादगार बन गया था। बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन हमारे दो नेशनल एंथम्स उस दिन गाए गए। एंड द विजन ऑफ फाइट्स सिंगिंग नकोसिस के लिए ई अफ्रीका, और विजन मीन साइट, वहाँ पर जो मैंने साइट देखा, जो दृश्य वहाँ पर था, वो दृश्य क्या था कि जो व्हाइट्स थे वहाँ के गोरे लोग, उन्होंने निकोसी सिकेलर ई अफ्रीका नेशनल एंथम गाया। एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टैम, और जो ब्लैक्स थे वहाँ के जो काले लोग थे, जो सामने लोग थे, उन्होंने डाई स्टैम नेशनल एंथम गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था। टू नेशनल एंथम्स उस दिन वहाँ पर गाए गए, जो व्हाइट्स वहाँ पर थे गोरे लोग, उन लोगों के द्वारा निकोसी सिकेलर ई अफ्रीका वाला नेशनल एंथम गाया गया। और ब्लैक्स जो थे, जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका में, जो सामने लोग थे, उनके द्वारा डाई स्टैम्प नेशनल एंथम गाया गया। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं था, चाहे व्हाइट्स हों या ब्लैक्स हों, कि लिरिक्स इन स्टोन, नेशनल एंथम की टोन को नहीं जानते थे, क्योंकि दे वंस डिस्पाइज्ड, वे क्या करते थे एक दूसरे के नेशनल एंथम से डिस्पाइज करते थे मींस डिसलाइक करते थे, घृणा करते थे, नापसंद करते थे। लेकिन उस दिन दोनों ही ग्रुप ने दोनों ही नेशनल एंथम गाए। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, तो हालांकि उस दिन अच्छी टोन के साथ वो नहीं गा पाए, लेकिन जल्दी ही वो लोग क्या कर देंगे, सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो नेशनल एंथम के जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को जल्दी ही बाय हार्ट कर देंगे, लर्न कर देंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का जो वो दिन था, ओथ सेरेमनी का जो वो दिन था, उस दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स द इंसिडेंट्स हैपेंड इन द पास्ट, पुराने समय में जो जितनी भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी को हिस्ट्री कहते हैं। तो पिछले जो दिन बीते थे उन पिछले दिनों को याद करके नेल्सन मंडेला उस दिन ओवरवेल्म्ड मीन्स थोड़ा सा मूव्ड हो गए या थोड़ा सा रेस्टलेस हो गए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड की बात है, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माय ओन बर्थ, जबकि एक एंग्लो बोर वार हुआ था, उस एंग्लो बोर वार के बाद की बात है, एंड बिफोर माय ओन बर्थ, और मेरे बर्थ से भी पहले की बात है। द व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो व्हाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे, उन लोगों ने पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, पैच अप मींस टू सेटल द डिस्प्यूट्स, उन्होंने क्या कर दिया था, टू सेटल द डिस्प्यूट्स और वी कैन से दैट कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने आपस में समझौता कर लिया था। देयर डिफरेंसेस मींस देयर कॉन्ट्रडिक्शंस, आपस में जो उनके कॉन्ट्रडिक्शंस थे गोरे लोगों के, उन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर लिया था, इरेक्ट मीन्स टू एस्टैब्लिश और टू फॉर टू मेक, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था गोरे लोगों ने ऑफ रेसियल डोमिनेशन। डोमिनेशन मीन्स इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ डोमिनेशन, एंड द मीनिंग ऑफ डोमिनेशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड एंड रेसियल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, जो व्हाइट स्किन पीपल थे, उन लोगों ने आपस के जो उनके कॉन्ट्रडिक्शंस थे, जो उनके लड़ाई झगड़े थे, जो उनके मनमुटाव थे, उन सभी को कंप्रोमाइज करके, उन सभी को पैचअप करके एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर लिया था, एक ऐसा सिस्टम बना लिया था, जो सिस्टम रेसियल डोमिनेशन था, जो एक डोमिनेशन था और रेस के आधार पर था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स, और जो किसके अगेंस्ट था, जो किसके खिलाफ था, डार्क स्किन पीपल्स के खिलाफ था, जो काले लोग थे उनके खिलाफ था, ऑफ यर ओन लैंड, अपनी ही धरती पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, वो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड मीन्स द सिस्टम दे क्रिएटेड, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, ये गोरे लोगों ने जो सिस्टम बनाया था, फॉर्म द बेसिस, उस सिस्टम ने एक ऐसा बेस बना दिया, एक ऐसी न्यू बना दी, of one of the harshest and most human inhuman societies of the world has ever known, jo system gore logon ne create kiya us system se ek aisa basis ban gaya, kis cheez ka, of one of the harshest means most rough, bahut hi kathin, bahut hi kathor and most inhuman, ek bahut hi amanviya, which is out of humanity,
जिसके जिस जिस चीज में ह्यूमैनिटी ना हो, मानवता ना हो, एक ऐसा इनह्यूमैन सिस्टम उन्होंने बनाया सोसाइटीज, और एक ऐसे समाज का निर्माण उन्होंने किया। जो उन्होंने सिस्टम बनाया था उस सिस्टम की वजह से एक ऐसे समाज का जन्म हुआ जो समाज इनह्यूमैन हो गया, उसमें ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, और इसके बारे में दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और एक आदमी के रूप में, एज अ मैन, एक आदमी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, मेरा जो 8th डिकेड था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया था। ओवरटर्न मीन्स टू डिसाइड दैट द सिस्टम इज रॉन्ग एंड शुड बी चेंज्ड, ये सिस्टम है इसे ऐसा मान करके कि ये सिस्टम गलत है और इस सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए, उसे ओवरटर्न कहते हैं। तो जब मैं 8th डिकेड में आया तो उस सिस्टम को जो कि व्हाइट्स लोगों ने बनाया था वहाँ पर, उस सिस्टम को कम्प्लीटली ओवरटर्न कर दिया गया और उस सिस्टम की जगह पर एक ऐसा सिस्टम रिप्लेस कर दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल द पीपल, जो सिस्टम ऑल द पीपल सभी लोगों के राइट्स एंड फ्रीडम्स, अधिकारों को और फ्रीडम को, स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज करता था, आइडेंटिफाई करता था या प्रोवाइड करता था। तो साउथ अफ्रीका में वाइट्स लोगों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा वो जो सिस्टम इरेक्ट कर दिया गया था, जिस सिस्टम की वजह से एक इनह्यूमैन सोसाइटी बन रही थी, उस सिस्टम को कम्प्लीटली ओवरटर्न करके एक ऐसा सिस्टम रिप्लेस कर दिया गया था जिस सिस्टम की वजह से सभी लोगों के राइट्स और फ्रीडम को प्रोवाइड कर दिया गया था, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। रिगार्डलेस मीन्स विदाउट कंसिडरिंग, इस बात की परवाह न करते हुए, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कि उनके स्किन का कलर कैसा है, कोई ब्लैक है या वाइट्स हैं, इस बात की परवाह नहीं की गई थी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, व्हेन नेल्सन मंडेला वाज डिलीवरिंग द स्पीच इन एन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो उस समय वो कह रहे हैं कि ये जो दिन आज का दिन आया है, ये दिन जिस दिन आज साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, ये दिन थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, जो मेरे हजारों लोग हुए हैं, उन हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल सैक्रीफाइसेस की वजह से, अनइमेजिनेबल डेडिकेशन की वजह से ये दिन आज आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ऐसे लोग जिनकी सफरिंग को, जिनके कष्टों को और जिनके करेज को कैन नेवर बी काउंटेड, न तो कभी गिना जा सकता है और रिपेड, और नहीं कभी उनका कर्ज चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने ऐसा महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि पहले भी मैं महसूस करता था, तो उस दिन भी मैंने, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैंने जो प्रयास किया है, मैंने जो एफर्ट किया है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बनने के लिए, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट केवल मेरी वजह से ही नहीं बनी है, बल्कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मुझसे पहले भी और जो अफ्रीकन पैट्रियट्स हुए हैं, जो रिवोल्यूशनरीज हुए हैं, उनके प्रयासों का मैं एक सन था, उन्होंने भी एफर्ट्स किए हैं और उनके एफर्ट्स ऐड कर करके और एट लास्ट जो मैंने एफर्ट किया वो सब मिला करके ही ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आज बनी है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो जो बहुत लंबी लाइन है, मुझसे पहले जो रिवोल्यूशनरीज हुए हैं, जो पैट्रियट्स हुए हैं, उनकी लंबी लाइन एंडेड, आज वो खत्म हो गई है, अब उस लाइन को आगे कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है, एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और ये लाइन अब मुझसे शुरू हो गई है। आई वॉज फेंट That I was not able to thank them. I was pain means I was upset. मैं थोड़ा सा दुखी हो रखा था, उदास हो रखा था, क्योंकि I was not able to thank them. मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता था, and that, और इस बात से भी मैं दुखी था कि they were not able to see. वे भी बेचारे आज देखने के काबिल नहीं थे, वे आज देख नहीं सकते थे what their sacrifices has wrought means achieved, कि उन्होंने जो sacrifices दिए हैं, बलिदान दिए हैं, जो उन्होंने dedication दिया है, जो समर्पण दिया है, कि उनके समर्पणों की वजह से आज अचीवमेंट मिल गई है, आज न तो वो देख पा रहे हैं और न ही वो लोग आज दुनिया में हैं, और न ही मैं आज उन्हें थैंक कह पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा सा क्या था, आई वॉज पेंड, आई वॉज अपसेट, मैं दुखी हो रखा था। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Apartheid का जो system था, apartheid, I have told you in the previous video the meaning of apartheid, and the meaning of apartheid is racial discrimination.
अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। तो ये जो अपार्टहाइड का सिस्टम था, इस सिस्टम ने मेरे देशवासियों के प्रति बहुत ही डीप एंड लास्टिंग वुंड, बहुत ही गहरा और बहुत ही लास्टिंग मीन्स परमानेंट घाव डाल रखा था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन, इफ नॉट जनरेशन, यदि बहुत पीढ़ियां तो नहीं लगेंगी, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, लेकिन हम सभी को बहुत साल बिताने पड़ेंगे। किस चीज के लिए? रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। ये जो प्रोफाउंड हर्ट हमें पहुंची है, ये जो डीप इंजरी हमें पहुंची है, ये गहरी चोट जो हमें पहुंची है साउथ अफ्रीका वासियों को उस अपार्टहाइड सिस्टम की वजह से, उस अपार्टहाइड सिस्टम की चोट से उभरने के लिए हम अफ्रीका वासियों को विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत साल बिताने पड़ेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी हैड अनदर इंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन कई दशकों से, कई डिकेड से जो ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी चल रही थी, ऑपरेशन मीन्स टॉर्चर, अत्याचार, ब्रूटेलिटी मीन्स क्रूअल्टी, निर्दयता, उसकी वजह से एक अनइंटेंडेड इफेक्ट पड़ा। इन अनइंटेंडेड मीन्स नेचुरल इफेक्ट कह सकते हैं और ऑटोमेटिक इफेक्ट कह सकते हैं। उसका एक नेचुरल इफेक्ट ये पड़ा, उस अपार्टहाइड सिस्टम की वजह से जो ऑपरेशन और ब्रूटेलिटी वहां पर चल रही थी, जो टॉर्चर और क्रूअल्टी लोगों में चल रही थी व्हाइट लोगों के द्वारा ब्लैक लोगों के प्रति, उससे जो एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ, एक नेचुरल इफेक्ट पड़ा, एक ऑटोमेटिक इफेक्ट पड़ा, वो इफेक्ट ये था, एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टॉम्बोस। उसकी वजह से कुछ ग्रेट पर्सन के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये लोग जन्मते रहे, द ओलिवर टॉम्बोस, द वाल्टर सिसुलोस, द चीफ लुथोलेस, द यूसुफ दादोस, द ब्राम फिशर्स, द रोबर्ट सोबोक्विस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। ये लोग ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले थे, मीन्स ऐसे यूनिक ब्रेवरी वाले थे, ऐसे अदम्य साहसी थे, विजडम इंटेलिजेंट, ऐसे बुद्धिमान थे, एंड जेनरोसिटी, और इनके अंदर इतनी जेनरोसिटी थी, मीन्स इतनी मैग्नानिमिटी थी, इतनी उदारता थी, दैट डियर लाइफ में नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे लोग अब दोबारा होने बहुत मुश्किल है। Perhaps, शायद, it requires such depths of operation to create such heights of character. Such heights of character means such types of dignitaries. इस तरह की जो great persons हुए हैं, शायद ऐसे great persons बनने के लिए बहुत ही गहरे ऑपरेशन की जरूरत होती है, बहुत यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, तभी जाकर शहर कोई इतना बड़ा ग्रेट पर्सन बन सकता है। माय कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, नेल्सन मंडेला सेड इन हिज स्पीच, कि मेरा देश जो है मिनरल्स और जेम्स में तो बहुत रिच है, मतलब तो मेरी कंट्री में बहुत से मिनरल्स हैं, बहुत से जेम्स हैं। मिनरल्स एंड जेम्स मीन्स प्रीशियस स्टोन्स एंड थिंग्स बीनीथ, सिचुएटेड बीनीथ द सॉइल, धरती के अंदर जो ये मिनरल्स और जेम्स हैं, प्रीसियस हैं, कीमती हैं, वह बहुत है मेरे देश में। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा ही यह जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन जो सबसे बड़ी वेल्थ है, जो सबसे बड़ा धन है साउथ अफ्रीका का, वो मिनरल्स नहीं है, वो जेम्स नहीं है जो धरती के नीचे हैं, बल्कि वो ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इज इट्स पीपल, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड प्योर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो मेरी धरती में प्योरेस्ट डायमंड्स हैं, बहुत ही प्योर डायमंड्स हैं, शुद्ध हीरे हैं, उन शुद्ध हीरों से भी ज्यादा फाइनर एंड प्योर कौन है, मेरे यहाँ के लोग हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कॉमरेड्स मीन्स अ कंपेनियंस इन द स्ट्रगल, संघर्ष, स्ट्रगल, संघर्ष के जो ये मेरे साथी थे, मुझसे पहले जो लोग हुए हैं जिन्होंने स्ट्रगल किए हैं, इन लोगों से दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इन्हीं लोगों से मैंने करेज का मतलब जाना, करेज का मीनिंग समझा है। टाइम एंड अगेन मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने महिलाओं को, पुरुषों को देखा है, लोगों को देखा है, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, एक छोटा सा विचार उनके दिमाग में आ जाता है और उस दिमाग की वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को भी, अपने जीवन को भी रिस्क में डाल देते हैं, जोखिम में डाल देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा है स्टैंड अप टू मीन्स फेस करना, मुकाबला करना, अटैक्स एंड टॉर्चर, टॉर्चर मीन्स होता है डिस्ट्रेस, यातना, कष्ट, तो मैंने लोगों को अटैक्स एंड टॉर्चर को भी फेस करते हुए देखा है, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, शोविंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, उन लोगों ने हमेशा ही स्ट्रेंथ को शो किया है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, किसी भी प्रकार की जो हार्डशिप होती है, कोई जो परेशानी होती है, उस परेशानी को डील करने की एक एबिलिटी, और एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, और उस हार्डशिप्स की वजह से जो इफेक्ट्स पड़ जाते हैं, जो प्रभाव पड़ जाते हैं, उन प्रभावों से रिकवर होना, उसे रेजिलेंस कहते हैं। तो मैंने इन लोगों को अटैक्स एंड टॉर्चर को फेस करते हुए भी देखा है, और इन अटैक्स एंड टॉर्चर की वजह से जो इन पर इफेक्ट्स पड़े हैं, उन इफेक्ट्स को रेजिलेंस होते हुए भी देखा है।
दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और ये बात सोचना भी जो है अपने आप में एक इमेजिनेशन से परे है, एक इम्पॉसिबल भी अपने आप में। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर। मुझे ये मालूम हो गया था कि जो करेज है, जो ब्रेवरी है, जो साहस है, वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डर नहीं है तो करेज है, ऐसा नहीं है, बट द ट्राइम्फ ओवर इट। लेकिन करेज का मतलब होता है कि जो डर है उस डर को भी जीत लो। द ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव आदमी वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि जिसे डर नहीं लगता है, बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर। लेकिन बहादुर वो है, ब्रेव वो है, करेजियस वो है, हु कन्क्वर्स दैट फियर, जो डर को भी जीत लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। किसी भी आदमी का जन्म इस धरती में इसलिए नहीं हुआ है कि किसी आदमी के कलर की वजह से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, किसी आदमी के रंग की वजह से, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, इसकी वजह से किसी को हेट करें, किसी से घृणा करें। एंड हिज रिलीजन, और किसी के धर्म की वजह से, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। फिर भी लोगों में घृणा करने की जो आदत है, घृणा करने की जो भावना है, वो आ ही जाती है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, लेकिन यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, यदि घृणा की भावना उनके मन में आ सकती है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो क्यों ना कहीं उनके मन में प्यार की भावना को जगाया जाए। फॉर क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार तो ह्यूमन हार्ट में, मानव के दिल में, हृदय में वैसे भी नेचुरली आ जाता है, देन इट्स अपोजिट, जो कि उसका जस्ट अपोजिट है घृणा के भाव से। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जबकि हम प्रिजन में थे, जेल में थे, और ग्रीमेस्ट टाइम जब हमारा चल रहा था, मोस्ट सीरियस टाइम चल रहा था, जबकि हम बहुत ही परेशानी में थे, वेर माई कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मीन्स कंपेनियंस, जो कि मेरे कॉमरेड्स थे, मेरे साथी थे, एंड आई, और जो मैं था, वर पोस्ट टू आवर लिमिट्स। पोस्ट टू आवर लिमिट्स मीन्स पोस्ट टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, कि जब मेरे साथी और मैं जेल में थे, और जब हमें पोस्ट टू लिमिट कर दिया जाता था, जबकि मतलब जितना ज़्यादा हो सके हमें कष्ट दिए जाते थे, उस समय हमारा ग्रीवेस्ट टाइम चल रहा था, हमारा मोस्ट सीरियस टाइम चल रहा था, उस समय भी आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ अ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। जेल में जो एक गार्ड था, उस गार्ड में थोड़ा सा मैंने ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखी है, ग्लिमर मींस एक ग्लिम्स, एक झलक देखी है ह्यूमैनिटी की, मानवता की, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। हालांकि वो ह्यूमैनिटी बहुत लंबे समय तक नहीं थी, वो ह्यूमैनिटी फॉर अ सेकेंड, थोड़े ही समय के लिए थी, एक सेकेंड के लिए थी, बट वो थोड़े समय के लिए जो ह्यूमैनिटी उस गार्ड ने दिखाई थी, इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी। वो ह्यूमैनिटी मेरे लिए जो है काफ़ी थी, इनफ थी, एम्पल थी, पर्याप्त थी, टू रीअश्योर मी, मुझे एश्योर करने के लिए, मुझे गारंटी देने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और जो मेरा अपना स्ट्रगल चल रहा था उस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी के अंदर जो गुडनेस होती है, क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड, भलाई करने का जो गुण होता है, अच्छाई जो होती है आदमी की, इज अ फ्लेम, वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक ब्लेज की तरह होती है, एक ज्वाला की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसे चाहे तो छिपा सकते हैं, बट नेवर एस्टिंग्विश्ड। लेकिन ये जो फ्लेम होती है, इसे कभी भी एस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, उसे ब्लो आउट नहीं कर सकते हैं, उसे बुझा नहीं सकते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज पेन ऑब्लिगेशंस, इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज पेन ऑब्लिगेशंस, पेन मींस ड्यू, डबल ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, हर एक आदमी के दोहरे दायित्व होते हैं, दोहरे कर्तव्य होते हैं, डबल ड्यूटीज होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक ड्यूटी होती है अपनी फैमिली के प्रति, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसकी ड्यूटी होती है दूसरी वाली, अपने जो लोग हैं उसके, उन लोगों के प्रति, एंड हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन सेक्शन ऑफ पीपल, जो समुदाय होता है, समाज का एक अंग होता है, उसके प्रति भी आदमी की ड्यूटी होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य समाज जो होता है, उस समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, उस सभ्य समाज में, उस सिविलाइज सोसाइटी में हर एक आदमी एबल है टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, अपने इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशंस मीन्स डिजायर्स, अपनी इच्छा के अनुसार, एंड एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरी तरह के जो लोग थे, मीन्स नेल्सन मंडेला वॉन्ट्स टू से, नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि मेरी तरह के लोग, मीन्स जो ब्लैक पर्सन थे, जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका में, उस तरह के जो लोग थे, उन लोगों के लिए इन डबल ड्यूटीज को निभाना बहुत ही इम्पॉसिबल था, एंड
कलर, वो मेरे तरह के जो कलर वाले लोग थे, काले लोग थे, तो फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, इन दोनों ही तरह की ड्यूटी को वो लोग नहीं निभा सकते थे। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मैन ऑफ कलर जो व्यक्ति होता था, जो काला व्यक्ति होता था, उसने यदि अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक आदमी की तरह रहने का प्रयास कर लिया, अपनी ड्यूटीज को निभाने का प्रयास कर लिया, वॉज पनिश्ड, उसे पनिशमेंट दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, उसे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था, उसे समाज से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में अपने समाज के जो लोग हैं उन लोगों के प्रति यदि किसी ने ड्यूटी निभाने का प्रयास किया, वॉज इनहेबिटेबली डिट फ्रॉम हिज फैमिली, उसे जो है बहुत ही श्योरली, इनहेबिटेबली श्योरली, उसे अपने अपनी फैमिली से रिप्ट कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, एंड इज होम, और उसे अपने घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव अपार्ट, लाइफ अपार्ट, और उसे मजबूर कर दिया जाता था कि अब तुम जो अपना जीवन जियोगे वो अपार्ट जियोगे, अलग रहकर जियोगे, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसका जीवन कैसा हो जाता था, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट मीन्स डस्क, एग्जिस्टेंस मीन्स लाइफ, उसका जीवन एक अंधकार में स्थिति में हो जाता था, इस चीज की वजह से, ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, सीक्रेसी की वजह से, सीक्रेटनेस की वजह से, क्योंकि समाज में जाना नहीं है, समाज से आइसोलेट कर दिया जाता था, तो अलग रहने की वजह से, एंड रेबिलियन होने की वजह से, रिवोल्ट होने की वजह से, उसके दिल में जो विद्रोह आ जाता था, इन दोनों ही भावनाओं की वजह से उसका जीवन ट्विलाइट एग्जिस्टेंस की तरह हो जाता था, अंधकार में जीवन की तरह हो जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली, शुरुआत में तो मैंने जो मेरे समाज के लोग थे उन्हें अपने परिवार के लोगों से भी अलग नहीं समझा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही मैंने लोगों की सेवा करने की कोशिश की, आई फाउंड, मुझे लगा या मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे जो है मेरे जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो मेरी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज से फुलफिल करने के लिए प्रिवेंट कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, मुझे रोक दिया जा रहा है, एज अ सन, और एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में, मुझे जो है मेरी ड्यूटी निभाने से मना कर दिया जा रहा है। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मेरा जन्म जब हुआ था उस समय, मेरे जन्म के समय मुझमें कोई फ्री होने की कोई भूख नहीं थी, हंगर टू बी फ्री मीन्स एक फ्री होने की भूख, फ्री होने की हंगर मीन्स डिजायर, इच्छा नहीं थी, आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मेरा जन्म ही फ्री हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर फील्ड में मैं फ्री था, दैट आई कुड नो, जितना कि मैं जानता हूँ, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की बनाई हुई जहाँ पर हट होती थी, झोंपड़ी, वहाँ पर मैं जो खेत बने हुए थे उन खेतों में दौड़ सकता था, फ्री टू स्विम, तैरने के लिए मैं फ्री था, इन द क्लियर स्ट्रीम, उस क्लियर मीन्स वेरी स्पष्ट स्ट्रीम, रिवर, नदी, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से होकर बहती थी, जो नदी एक बहुत ही क्लियर स्ट्रीम वाली थी, जो मेरे गांव के पास से बहती थी, उस नदी में मैं तैरने के लिए फ्री था, फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, अंडर द स्टार्स मीन्स अंडर द स्काई, खुले आसमान के नीचे मैं मीलीज को रोस्ट करने के लिए, मीलीज मीन्स कोर्न, भुट्टे, भुट्टों को रोस्ट कर सकता था, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, स्लो मूविंग बुल्स, जो बहुत ही स्लो मूविंग, बहुत ही धीरे धीरे चलने वाले जो बुल्स होते थे, उनकी पीठ पर बैठकर मैं जाने के लिए फ्री था, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने फादर का कहना मानता रहा, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जो मेरी ट्राइब थी, जो मेरा क्लैन था, जो मेरी जनजाति थी, उस जनजाति के जो कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों को जब तक मैं मानता रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे किसी प्रकार की कोई ट्रबल नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, वो रूल्स है भगवान के द्वारा बनाए हुए हों चाहे किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हों, लेकिन जब तक मैं अपने फादर का कहना मानता रहा और जब तक अपने ट्राइब के जो हमारे कस्टम्स थे उन कस्टम्स को मैं फॉलो करता रहा, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न, लेकिन ऐसा तब हुआ जब आई बिगिन टू लर्न, जब मुझे ये बात समझ में आने लगी, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि जो मेरे बॉयहुड मीन चाइल्डहुड, बचपन में मुझे जो लगता था कि मुझे फ्रीडम मिली हुई है, मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है, वॉज एन इल्यूजन, वो एक फॉल्स अपीयरेंस था, मेरा एक भ्रम था,
जब मुझे ये बात मालूम हो गई कि बचपन में मैं फ्री था ऐसा मुझे लगता था, लेकिन वो बचपन में मेरा फ्री होना ऐसा लगना अपने आप में एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, लेकिन जब मैं एक युवा व्यक्ति बन गया, यंग मैन बन गया, तो मुझे लगा कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी फ्रीडम है, जो मेरी स्वतंत्रता है, वो तो पहले ही मेरे से छीन ली गई है। That I began to hunger for it, और इसीलिए जो है अब मुझमें अपनी फ्रीडम को पाने की hunger means desire, वो इच्छा जागने लग गई है। At first, शुरुआत में as a student, एक student के रूप में I wanted freedom, मैं freedom चाहता था only for myself, केवल अपने लिए। शुरुआत में जब मैं एक student था तो मैं freedom चाहता था केवल अपने लिए। The transitory freedoms of being able to stay out at night, किस तरह की फ्रीडम? द ट्रांजिटरी फ्रीडम मीन्स द फ्रीडम विच इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी फ्रीडम चाहता था मैं। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि कहीं भी मैं बाहर चला जाऊं, स्टे आउट एट नाइट, कि रात के समय में कहीं चला जाऊं और बाहर ही रह जाऊं अपनी इच्छा से। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मेरी इच्छा हो उसे मैं पढ़ूं, एंड गो वेयर आई चूज, और मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मैं जाना चाहता हूं। लेटर, लेकिन बाद में एज अ यंग मैन, एक यंग आदमी के रूप में इन जोहान्सबर्ग में आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड अनब्रेवल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल। लेकिन जोहान्सबर्ग में जब मैं एक यंग मैन हो गया तो आई यर्न्ड मींस आई डिजायर्ड, मेरी इच्छा हो गई फॉर द बेसिक एंड अनब्रेवल फ्रीडम, एक बेसिक और अनब्रेवल फ्रीडम की, ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल, जिससे कि जो मेरी पोटेंशियल है, जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को मैं पा सकूँ, ऑफ अर्निंग माई की, ताकि जो अर्निंग माई की मीन्स अर्निंग माई लाइवलीहुड, जो मेरी जीविका है वो उस जीविका को मैं कमा सकूं, और मैरिंग, ताकि मेरी भी शादी हो सके, एंड हैविंग अ फैमिली, और मेरा भी एक परिवार हो सके। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और मैं ये चाहने लग गया, ये मेरी इच्छा हो गई, मेरी डिजायर हो गई कि मेरी जो लॉफुल लाइफ है, इस लॉफुल लाइफ में किसी तरह का भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे स्लोली मुझे ये पता चलने लग गया कि केवल मैं ही ऐसा नहीं था जो फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि मेरी तरह के जो लोग थे, ब्लैक पर्सन समाज में, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भैया बहन, वो भी फ्री नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कि केवल एक मैं ही ऐसा नहीं था, इंडिविजुअल पर्सन, जिसकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया था, मीन्स रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, रोका गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई, लेकिन ऐसे सभी लोग जो मेरी तरह दिखते थे, हु लुक्ड लाइक आई, जो मेरी तरह दिखते थे, मीन्स जो ब्लैक पर्सन थे, जो काले लोग थे, उन सभी की फ्रीडम को क्या कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, कर्टेल्ड कर दिया गया था। That is when I joined the African National Congress, और फिर मैंने African National Congress join कर दी, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, और जब मैंने African National Congress join कर दी तो freedom की मेरी जो hunger थी, means जो भूख थी, जो desire थी, जो इच्छा थी, वो इच्छा सीमित नहीं रही, limited नहीं रही, बल्कि वो इच्छा greater hunger बन गई, greater desire बन गई। किस वजह से? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, क्योंकि जो मेरे तरह के जो लोग थे समाज में, मैं उन लोगों की भी फ्रीडम चाहता था। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये जो फ्रीडम मैं चाहता था, ये ऐसी फ्रीडम थी, पाने की इच्छा थी, डिजायर थी, ताकि जो मेरे लोग हैं, ऑफ माई पीपल, जो मेरी तरह के लोग हैं, तो लिव दियर लाइफ, वे अपने जीवन को जी सकें विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी मीन्स मोरल, गरिमा, प्रतिष्ठा एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इस बात ने जो है मुझे एनिमेट कर दिया, मीन्स एनकरेज कर दिया, इस बात ने मेरे अंदर एक जोश भर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, आज तक मैं जो थोड़ा सा हल्का सा फ्राइटेंड होता था, डरता था, लेकिन आज वही फ्राइटेंड यंग मैन ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज हो गया है, बदल गया है इनटू अ बोल्ड वन, एक ब्रेव आदमी मैं बन गया था। जो थोड़ी बहुत डर मेरे अंदर था, वो डर सब मैंने दूर कर दिया, और अब मैं एक बोल्ड वन बन गया, एक बहादुर आदमी बन गया, करेजियस पर्सन बन गया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, और इस जोश ने जो है एक law-abiding attorney को एक criminal बना दिया। That turned the family-loving husband, एक family-loving husband, अपने परिवार से प्यार करने वाले पति को into a man without a home, बेघर बना दिया, क्योंकि अब मैं घर में नहीं रह सकता था, मुझे प्रयास करने हैं, एफर्ट करने हैं उस फ्रीडम को पाने के लिए। तो वो जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम को पाने की जो डिजायर थी, उस डिजायर ने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को भी क्या बना दिया, अ मैन विदाउट अ होम, एक आदमी ऐसा बना दिया जो कि बेघर हो गया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और अपने जीवन से प्यार करने वाले एक आदमी को
कैसा बना दिया, लाइक अ मॉन्क, एक सन्यासी की तरह बना दिया, एक हर्मिट की तरह बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। द नेक्स्ट मैन मीन्स द कॉमन पीपल, आम जो लोग होते हैं उन लोगों से भी नो मोर वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स हैविंग गुड क्वालिटीज, मुझ में उन लोगों से कोई ज्यादा गुड क्वालिटीज तो नहीं है, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, इतना ज्यादा सेल्फ डेडिकेटिंग भी मैं नहीं हूँ। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया या मुझे लगा, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पुअर, तो छोटी सी बहुत कम एंड लिमिटेड फ्रीडम जो कि मुझे मिली हुई थी, उस फ्रीडम का भी मैं एंजॉय नहीं कर पाया अच्छी तरह से व्हेन आई न्यू, क्योंकि जब मुझे मालूम पड़ने लग गया था माई पीपल वर नॉट फ्री, कि जो मेरी तरह के लोग हैं वो समाज में फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो फ्रीडम होती है वो इंडिविजिबल होती है, उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, नई तरह के जो लोग थे उन लोगों के प्रति जो चेन्स थी, जो जंजीरें पड़ी हुई थी, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मैं समझता था वो जंजीरें केवल उन लोगों पर नहीं है, बल्कि वो जंजीरें सभी लोगों पर पड़ी हुई हैं। एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और जितने भी सभी लोग हैं उन सभी लोगों पर पड़ी हुई चेन्स, जंजीरें, वर द चेन्स ऑन मी, मुझे लगता था कि वो जंजीरें, वो चेन्स खुद मेरे ऊपर ही पड़ी हुई है। I knew, मैं जानता था, that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Dear students, here two words have been used. Number one, oppressor, and number two, oppressed. Oppressor means one who causes suffering to others, जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों को टॉर्चर करता है, दूसरों को परेशान करता है, उसे oppressor कहते हैं। And oppress one who bears sufferings of others, जो दूसरों के कष्ट को सहन करता है। तो दोनों ही तरह के जो लोग होते हैं उन दोनों ही तरह के लोगों को लिबरेट कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। नेल्सन मंडेला का कहना यह कि केवल जो ऑप्रेस्ड है उसी को फ्री नहीं करना है, बल्कि जो ऑपरेसर है, जो सताने वाला है, उसे भी फ्री कर देना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैनस फ्रीडम, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है, जो ऑपरेसर होता है, is a prisoner of hatred, वह भी अपने आप में फ्री नहीं है, दूसरों को सताने वाला भी फ्री नहीं है, वो भी अपने आप में एक प्रिजनर होता है, कैदी होता है, वो कैप्चर हो रखा है किस चीज की वजह से, of hatred, घृणा की भावना की वजह से, क्योंकि उसके मन में घृणा की भावना होती है। इसलिए नेल्सन मंडेला का ये कहना है कि जो ऑपरेसर है, दूसरों को सताने वाला है, उसके दिमाग को भी जो है उस घृणा से मुक्त कर देना चाहिए। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. क्योंकि ऑपरेसर भी अपने आप में फ्री नहीं है, ऑपरेस्ट तो फ्री नहीं है ऑपरेसर की वजह से, लेकिन ऑपरेसर भी अपने आप में फ्री नहीं है, दूसरों को सताने वाला भी फ्री नहीं है, क्योंकि he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. क्योंकि वो आदमी भी जो ऑपरेसर है वो कहीं ना कहीं जेल की सलाखों में तो बंद नहीं है, लेकिन जो प्रेजुडिस उसके मन में है, प्रेजुडिस मीन्स द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना, एंड नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण विचारधारा वो उसके मन में है, तो उन संकीर्ण विचारधाराओं की और भेदभाव की जो सलाखें हैं उन सलाखों में वो बंधा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मंडेला कह रहे हैं कि यदि मैं किसी की फ्रीडम को छीन रहा हूँ, किसी की फ्रीडम को यदि मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं जो है पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी फ्रीडम को किसी ने छीन लिया हो, जिस तरह से मैं फ्री नहीं हूँ, यदि मेरी फ्रीडम को किसी ने छीन लिया हो तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन यदि मैं किसी की फ्रीडम को छीनता हूँ फिर भी मैं अपने आप में क्या नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ। इसलिए ना तो किसी की फ्रीडम को छीनना चाहिए और ना ही अपनी फ्रीडम को छीनने देना चाहिए। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, दोनों ही जो पर्सन हैं, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, ऑपरेसर मीन्स वन हु कॉजेस सफरिंग टू अदर्स, दूसरों को सताने वाला जो व्यक्ति है ऑपरेसर है, और जो ऑपरेस है मतलब वन हु बियर सफरिंग्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के कष्ट को सहन करने वाला व्यक्ति होता है, अलाइक आर रॉब ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, उन दोनों को ही जो है फ्री कर देना चाहिए, और उन दोनों में ही ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता के गुण भर दिए जाने चाहिए। क्योंकि द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, दोनों ही जो ये लोग होते हैं, सताने वाला और कष्ट को सहने वाला भी, आर रॉब ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, रॉब ऑफ इज डिफ्राइड ऑफ, ये वंचित रह जाते हैं, ये छूट जाते हैं ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की वजह, क्योंकि इनके अंदर मानवता के गुण नहीं आ पाते हैं दोनों के ही अंदर, इसलिए इन दोनों को ही क्या कर देना चाहिए, मानवता के गुणों से भर देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर दिस लेसन, एंड आई होप दैट यू विल वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एट योर होम, एंड
The question answers belonging to this chapter will be sent to you in a PDF, and you need to write all the question answers in your notebook, revise the chapter very well. If you find any kind of difficulty, you may contact me. Thank you. Take care of you.